रेडमी नोट 10 अपडेट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। रेडमी नोट 10 पाकिस्तान में अपडेट हो चुका है और इसकी एक माह में वे चौथी अपडेट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टेबल हो चुका है। मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी कि रेडमी नोट 10 में बग्स आ रहे हैं, यार लोगों ने गालियां बहुत दी कि तू पागल है यार, तुझे समझ नहीं। मैं वो अब लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकता मेरी जान, वो बहुत बड़े हैं, उनकी क्या शान है जो उन्होंने बोल दिया। मैं खाक बराबर उनके, लेकिन काफ़ी हौसला अफजाई की उन्होंने मेरी उस वीडियो पे। लेकिन फिर मेरा एम बन गया कि यार ये एक ऐसी वीडियो जो रेडमी के फैन फॉलोअर हैं उनको पता चले कि यार रेडमी ने अपडेट निकाल दिया, अब इस बंदे ने इस पर वीडियो बनाई, इसका मतलब ये रेडमी वालों के ख़िलाफ़ नहीं है। यार मैंने खुद 30,000 इन्वेस्ट किया जो कि 27,000 का हो गया, मोबाइल फ़ोन कंपनी ने बंद कर दिया, अब क्या करें। लेकिन फिर भी उन्होंने, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वो अपडेट निकाली। अपडेट निकालने के बाद मोबाइल फ़ोन काफ़ी स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इस वक्त इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी इसमें अपडेट्स की जो देख के शायद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, अगर आप उसको फील करें, महसूस करें, देखें, देख पाएं, वो बहुत ही माइक्रो किस्म की हैं। तो चलिए फिर देखते। बहुत ही हौसला करके मैंने वो वीडियो बना के अपलोड की कि रेडमी नोट 10 जिसने लिया बहुत बग्स आ रही हैं, हीटिंग इशू आ रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सटेंड ब्ला ब्ला। यार उसके कमेंट सेक्शन में आके लोगों ने मेरी इतनी हौसला अफजाई की कि तू तो पागल है यार, अब मैं वो शब्द या वो लफ्ज तो नहीं बोल सकता जो उन लोगों ने आके वीडियोज़ के कमेंट के नीचे बोले। वो उनकी क्या, उन्होंने तो अब उन्होंने वहां पे ये बोल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं 50-50% है, 50 लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये आपने सही किया, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ फेस आ रहे हैं, लेकिन कुछ ने ये किया कि यार भाई तूने गलत वीडियो बनाई, तुम्हें नहीं बनानी चाहिए थी। मैंने साथ में ये भी बोला कि अगर आपके पास एसी लगा हुआ है तो ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, शायद आपने नोट किया हो। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि रेडमी नोट 10 अपडेट हो चुका है और इसकी एक माह में ये अब 4 कह सकते हैं, 4 अपडेट आ गई है, 4 चौथी अपडेट आ गई है जो कि 5.1 से 5.4 तक पहुंच गई। अब बेसिकली क्या क्या अपडेट की है उन्होंने मोबाइल फोन्स में, क्या आपका मोबाइल फ़ोन अब भी हैंग होगा, क्या आपका मोबाइल फ़ोन अब भी हीटअप होगा, क्या अब जो आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको बग्स इश्यू देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बेसिकली जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी रेडमी नोट 10 के ऊपर ही शूट की जा रही है, वो मेरे सामने लगा है, मैं उसको आँख भर के देख रहा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। तो बेसिकली जो आपको यहाँ पे रेडमी की तरफ से अपडेट देखने को मिलेगी, नोट 10 वालों ने आपके लिए मुतारफ करवाई जो कि आप आम आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्ट मैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर बगौर मुशाहदा करते हैं कि क्या क्या अपडेट की हैं उन्होंने इस बार रेडमी नोट 10 में। और उसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो आपको रेडमी के साथ केस मिलता है मोबाइल फ़ोन का, ये वाला केस आपने एक बहुत ज़्यादा मेहरबानी और करम नवाजी ये कर रही है कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग के वक्त और उसके बाद एक्स्ट्रा यूजिंग के वक्त या हैवी गेम के वक्त आपने इस केस को उतार देना है, भाई इसका बहुत मसला बन रहा है। ठीक है, तो चलते हैं फिर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, देख लेते हैं कि आपने ये सारा काम क्या करना है, किस तरह करना है। बेसिकली आप इस वक्त देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्टमैन और मेरा नाम है एहतिशाम रियाज। तो इस वीडियो को फिर तफसील से डिटेल से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही खुश आमदीद आपको इस चैनल पे। तो चलिए फिर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, जी हम आ गए हैं इस वक्त रेडमी नोट 10 मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, क्या आपको लगता है क्या क्या कुछ इस बार उन्होंने चेंज किया है। सबसे पहले हम अगर वॉल्यूम बटन पे प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह का डॉट, उसके बाद अगर हम इसके 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो ये दो उन्होंने न्यू अपडेट दी हैं कि साइलेंट सेट टू सेट टाइमर, मतलब अगर आप 30 मिनट का टाइमर सेट कर दें तो 30 मिनट के बाद यह खुद ब खुद साइलेंट हो जाएगा, या उसके बाद एक आवर के बाद यह खुद जो मतलब एक आवर के बाद खुद ब खुद अनसाइलेंट हो जाएगा। अगर इसको लगाते हैं दो आवर के बाद खुद ब खुद साइलेंट हो जाएगा, अगर इसको ख़त्म करते हैं तो ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी, उसके बाद इसी तरह नीचे है, अब मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि कोई बंदा आपको डिस्टर्ब वगैरह ना करे तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या उन्होंने अपडेट की है जी, उसके लिए आप अगर इसको एक बार इस तरह स्लाइड डाउन करें तो करने के बाद अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो ये आपको ऐप की इंफॉर्मेशन या इन्फो में ले जाता है, तो ये पहले नहीं था। आई थिंक ये कुछ
कुछ ओवर या आप ये कह सकते हैं कुछ बुरा लगा इस बार, लेकिन इसको उन्होंने कन्वर्ट इसमें कर दिया कि अगर हम इस पे डॉट मतलब प्रेस करते हैं नोटिफिकेशन में, वो जो सारे ऑप्शन वहाँ थे वो उठा के उन्होंने यहाँ पे दे दिया। अगर आप इसको अलाउ करना चाह रहे हैं तो अलाउ कर सकते हैं, मोर पे जाएं तो मोर पे आने के बाद ये आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशन सेटिंग में ले जाता है, जबकि ये सारे का सारा प्रोसीजर आपको यहाँ पर देखने को मिलता था। ठीक है, ये दूसरा चेंज आ गया। तीसरा चेंज इन्होंने इस बार ये किया कि जो आपके मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी है उसको थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। अगर हम सेटिंग में जाते हैं, अबाउट फोन में जाते हैं, फोन में जाने के बाद इस बार जो करंट सिचुएशन जा रही है वो है 12.5.3 MIUI ग्लोबल वर्जन, जो इस वक्त वक्त चल रहा है रेडमी नोट 10 प्रो में, सॉरी रेडमी नोट 10 में। तो अगर आप चेक करेंगे व्हाट्स न्यू तो वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको मिलता है सिक्योरिटीज की अपडेट की है, लॉक स्क्रीन इसका अपडेट किया गया है, उसके अलावा स्टेटस बार और नोटिफिकेशन वगैरह को अपडेट किया गया है। अगर इसके साथ साथ हम बात ये कर लें कि क्या सर इसमें अभी तक बग्स इशू आ रहे हैं या इसमें अभी तक हीटिंग इशू, तो ऑफ कोर्स इसमें बग्स भी अभी तक आ रहे हैं, उसके बाद इसमें हीटिंग इशू भी है। बग्स आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी बंदे को फ़ोन मिलाते हैं तो अभी तक इन्होंने मतलब कॉल रिकॉर्डर को अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इस वक्त जो इसकी अपनी ब्राइटनेस होती थी, आप ये कह सकते हैं कि ब्राइटनेस कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मतलब सनलाइट मोड, उसको भी अभी तक इन्होंने ऑन नहीं किया। इसके अलावा भी 3 से 4 अपडेट्स हैं जो अभी तक इन्होंने ऑन नहीं की। मुझे उम्मीद है कि ये भी जल्द ही अपडेट कर देंगे, और साथ में आप स्क्रीन में ये भी देख रहे होंगे कि किस तरह ये सारी की सारी सेटिंग हमने की, जो अपडेट किया और डाउनलोड किया वो कितने एमबी का था, कितने केबी का था, सारा सीन था। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ लग गई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि फ़िलहाल इसमें बग्स है और अभी भी ये हीटअप हो रहा है मोबाइल फ़ोन रेडमी नोट 10। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको ये भी लगा होगा कि यार मैं Redmi वालों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैंने खुद 30,000 रुपये इस पे इन्वेस्ट किए। अब मुझे भी दिल में वो हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि Redmi वालों ने हमारा भी ख्याल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और पसंद आई होगी। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे भी रखना अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।